नेवी जवान सूरज दुबे की जब हत्या की बात आ रही है, जब इस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, तब एक बात हम जरूर कह रहे हैं कि देश का महाराष्ट्र वह राज्य हो गया है जहां पर ना तो संत सुरक्षित हैं और ना सैनिक। आज सूरज देवी की हत्या के बाद पूरा देश मर्माहत है, हर लोग इस घटना से आहत हैं। सभी कोई जानना चाह रहा है कि आखिर इतनी जघन्य घटना को अंजाम किसने दिया, एक सैनिक को मारने की हिमाकत अपने ही देश में किसने की। भाजपा इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर सरकार की निंदा भी कर रही है और सवाल भी खड़े कर रही है। हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संजय भगत जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले वही महाराष्ट्र में सुशांत सिंह की हत्या हो जाती है, साधु की हत्या हो जाती है, और आज सैनिक जो देश की रक्षा के लिए तटस्थ था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम हम यह कहना चाह रहे हैं कि जब से महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार बनी है, तब से पूरे महाराष्ट्र में आरक्षकता ही आरक्षकता नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे सुशांत सिंह जैसे अभिनेता को हत्या करना, इसके बाद उसी महाराष्ट्र में संत महात्माओं की हत्या हो जाना, और अभी पूरे हम लोग लगातार 2-3 दिन से जो खबर आप सबों के द्वारा मिल रहा है या देखने को मिल रहा है या सुनने को मिल रहा है, या जितने भी हम लोग निंदा करें, घोर निंदा करते हैं, सर्वप्रथम मैं अपने पलामू प्रमंडल के जो सेना में जवान थे सूरज दुबे जी, उनका चेन्नई से अपहरण होना, और महाराष्ट्र में उसी जगह पर जहां साधु संत का हत्या हुआ था पालघर में, वहीं निर्मम जलाना, हत्या करके जला देना, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। और इसमें महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह फेल नज़र आ रहा है। हम चाहेंगे अपने केंद्र सरकार से कि उस सरकार को बर्खास्त करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, और जो भी इस घटना में संलिप्त हो, चाहे वह नौसेना के जवान सूरज दुबे जी हों, सुशांत सिंह राजपूत जी हों, या संत महात्माओं का जो हत्या हुआ है, उन सभी संलिप्त दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ऐसे निर्दय को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार को तो अविलंब बर्खास्त करना चाहिए केंद्र सरकार को। कई लोगों से बात हो रही है, उनके द्वारा सीबीआई जांच की भी बात कही जा रही है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे, कड़ी से कड़ी जांच करे, ताकि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो। मैं फिर पुनः बोल रहा हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और सीबीआई जांच जो सभी लोग पूरे हिंदुस्तान मांग रहा है, सीबीआई जांच, इस सीबीआई जांच में कहीं से कोई कोताही नहीं होना चाहिए, और अविलंब सीबीआई जांच होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। आपने सुना कि किस तरह हर लोग, भाजपा के लोग के साथ साथ हर लोग इस घटना को लेकर कड़ी निंदा कर रहे हैं, पूरी तरह से भर्त्सना कर रहे हैं, साथ ही सबकी एक ही मांग है कि कोई ऐसी जांच हो इस मामले का, ताकि खुलासा हो सके कि अपने ही देश के अंदर, देश की सुरक्षा में जो जवान तैनात था, उसकी निर्मम हत्या करने की साजिश किसने की, कौन है इसमें शामिल। हम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो, और वह व्यक्ति सामने आए, वह गिरोह सामने आए, वह संगठन सामने आए, जिसने पलामू के लाल, जो देश की सुरक्षा के लिए समुद्र में तैनात था, नेवी का वह जवान सूरज दुबे की हत्या जिसने की, उसका खुलासा जल्द से जल्द हो। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।